नमस्कार वन इंडिया, हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मृदु सुनील। रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तार में दौड़ रही मालगाड़ी अचानक दो हिस्सों में बट गई। दरअसल बांदा से कानपुर जा रही मालगाड़ी मोदा की तरफ अतरार रेलवे क्रॉसिंग के पास दो हिस्सों में बट गई। इस वजह से यातायात एक घंटे तक बाधित रहा। मालगाड़ी के चालक ने सूझबूझ से मालगाड़ी वापस करके कपलिंग को ठीक किया और आगे की तरफ रवाना हुआ। आपको बता दें, एक मालगाड़ी बांदा से कानपुर की ओर जा रही थी। अतरार क्रॉसिंग के पास अचानक कपलिंग खुलने से मालगाड़ी दो हिस्सों में बट गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। चालक ने जब देखा तो गाड़ी दो हिस्सों में खड़ी थी। इसके बाद उसने गाड़ी को धीरे धीरे पीछे किया, पीछे वाले हिस्से को जोड़कर आगे के लिए रवाना हुआ। इस बीच एक घंटे तक रूट बाधित रहा। मालगाड़ी के कस्बे के स्टेशन पहुंचने के बाद कानपुर की ओर से आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस को आगे की ओर रवाना किया गया। असिस्टेंट पीआरओ प्रदीप कुमार ने बताया कि संभव है कि लीवर डैमेज हुआ हो, जिससे मालगाड़ी दो हिस्सों में बट गई हो। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना का बहुत जल्दी ही पता चल गया। इससे रिकपलिंग कर मालगाड़ी को जोड़कर आगे बढ़ा दिया गया। कोई सिस्टम ब्रेक भी नहीं हुआ। हालांकि उच्च अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रिया वन इंडिया हिंदी के साथ।